अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। तेलंगाना स्टेट इन दिनों सुर्खियों में है, यानी आप समझ गए होंगे कि तेलंगाना स्टेट में होने वाले 2018 के आम इंतखाबात के सिलसिले में रोज बरोज कई जमातों की जानिब से नए नए ऐलानात आ रहे हैं, यानी 5 साल के बाद फिर वही मौसम, फिर वही वादे, फिर वही तकारीर और वही मिलने मिलाने का दौर। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि हुकूमत तेलंगाना की कारगर्दगी पर कई इल्जाम और नाइंसाफियों का जिक्र करते हुए कई कायदीन अपने आप को जाहिर करते हुए इंतखाबी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए ऐलानात कर रहे हैं। इसी तरह हल्के चंद्रान गुट्टा यानी हैदराबाद के खुसूसी जाने जाने वाले हल्के चंद्रान गुट्टे के अवाम में एक बहुत बड़ी नाराजगी यानी खवातीन को लेकर BSP बहुजन समाज पार्टी के एक उम्मीदवार फरजाना बेगम की जानिब से हल्के चंद्रान गुट्टे में एक मीटिंग मुनक्किद की गई थी, जिसमे ग्रेटर हैदराबाद सिटी के इंचार्ज जनाब चारी साहब ने की हल्के चंद्रान गुट्टे से उम्मीदवार के तौर पर फरजाना बेगम ने कहा है कि उनका मकसद इस इलेक्शन में ठहरने का अवाम यानी खवातीन और बेरोजगार नौजवानों की नाइंसाफी को लेकर संजीदगी है। मैं करीम खान, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। मेरा नाम फरजाना बेगम है, मैं चंद्रान गुट्टे से MLA कैंडिडेट के लिए मायावती मैम ने MLA की टिकट दिलवाने का वादा किया है, कोशिश कर रहे हैं सभी लोग, और अब तक जितनी भी पार्टीज आई हैं कोई लेडीज़ को ऐसा मौका नहीं दिए। अब मैं जो भी करूँगी इंशाल्लाह लेडीज़ के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए ठहरी हूँ यहाँ से। आप लोग सब मिलकर मेरा सपोर्ट कीजिए, और आजकल ज़्यादा औरतों की कोई सुन नहीं रहे हैं, औरतों पर जुल्म हो रहे हैं और मासूम बच्चों के लिए भी बहुत जुल्म है बच्चों पर भी, इसी वजह से मैं यहाँ से ठहरी हूँ। बस आप लोगों से सबसे गुजारिश है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर, हाथी का निशान है, हाथी का निशान को वोट दीजिए, सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए। आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहले से एक MLA यहाँ पर है जी, उसके बावजूद आप अगर इरादा करें तो उसकी वजह क्या है इलेक्शन लड़ने की, कि असल में क्या मुद्दा है आपका, क्या ऐसी चीज़ है जो MLA पूरा नहीं कर सके अब तक? यहाँ पर लेडीज़ की कोई सुनते ही नहीं है और लेडीज़ को आगे बढ़ाने की कोई सोचे नहीं आज तक। इतने पार्टीज आए हैं जी, इतने पार्टीज है, MLA पार्टीज है और MIM पार्टी है, TRS पार्टी है और भी दूसरे पार्टीज है, लेकिन लेडीज़ को ऐसा मौका नहीं मिला, इसीलिए ये मायावती मैडम ने मुझे मौका दिया है BSP पार्टी से MLA की टिकट दिलवाने का, तो मैं इसीलिए इस कोशिश को कामयाब होने के लिए आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए, बेशक मैं पूरा करूँगी। अगर आपको टिकट मिलता है, अगर आप जीत जाते हैं तो क्या इरादा करे हुए हैं आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए, क्या ऐसी चीज़ करेंगे? मैं सबसे पहले तो गरीब लोगों की मदद करूँगी और जो मासूम बच्चों पर जुल्म हो रहे हैं ऐसे जुल्म को ख़त्म करने के लिए पूरी कोशिश करूंगी, और बेसहारा औरतों की मदद करूंगी जो गरीब हैं, उन सब के लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोच के रखी हूँ, मदद करूंगी मैं सब। जो चंद्रा मोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में पढ़ाना बेगम जी बहुजन समाज पार्टी तरफ से टिकट दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं, और चंद्रांगोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में हर इलेक्शन में MIM पार्टी होने दो, तेलुगुदेशम होने दो, TRS होने दो, BJP होने दो, एक औरत आदमी को भी टिकट नहीं दिए। इंशाल्लाह अगर हम बहुजन समाज पार्टी से एक औरत आदमी को अगर टिकट दिला के हम चंद्रांगोटा को जिताने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारा उम्मीद है चंद्रांगोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में वुमेन्स होना है, कि मरद लोग हमारे को चाहिए नहीं, चंद्रांगोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर जिताने की कोशिश हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और ऐसे ही हमारे बहन जी भी बोलती है मेरा सहारा दो, बहन जी बहनों को पूछती है मेरा सहारा दो, कि मरद लोगों का बात न को सुनो, मेरा सहारा दो, देश को मैं बदल देता हूँ। बहन में बोलती है ऐसी लफ्ज भारत देश के अंदर बोल रही है, मेरा सहारा दो, मैं देश को बदला देता हूँ। प्रधानमंत्री बन के औरत लोगों को जो हुक् है हुकूमत चाहिए वो हुकूमत मैं दिला देता हूँ, और आप लोग कुछ मेरा मदद कर सकते हैं, उनके बहन जी के बोलिए
बहुजन समाज पार्टी तरफ से हम हैदराबाद के अध्यक्ष हैं। किसी हाल में चंद्रायन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी में जिता लेके बहुजन समाज पार्टी का नाम लाल किले तक सुनाने देंगे। जय भीम। आपका नाम? मेरा नाम संजय अचारी, बहुजन समाज पार्टी हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट। सच की तलाश का नाम, आपका अपना क्राइम टुडे न्यूज़।